डीएलएफ ग्रीन मोदी नगर के टावर पी के बेसमेंट में दो और तीन जो सीवेज प्लांट ट्रीटमेंट प्लांट था उसमें वहाँ 9 तारीख को ये सूचना प्राप्त हुई थी और उसमें कुछ लड़के जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं उनमें से उमेश कुमार जो मेरे कंपनी का था बातचीत चार कराएंगे लेकिन उमेश कुमार और सरफराज पंकज राजा और विशाल विशाल की डेथ कल हुई है इनमें से चारों की डेथ 9 तारीख को हो चुकी जब हमें सूचना मिली तो मैं और मेरे साथी अमिताभ जिंदवाल और सुमित कुमार एफ एस बैठक बोर्ड मेंबर और समाज सेवक आजाद कुमार हमारे साथ मौके वारदात पर पहुँचे और ट्रीटमेंट जो सीरीज प्लान था उसका मुआयना करा मुआयना करने के बाद हमें पाया कि वहाँ कोई एमरजेंसी एग्जिट द्वार नहीं था एमरजेंसी एग्जिट नहीं था ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं थे और ना ऐसा कोई मास्क वहाँ पे था जिससे कि उनकी पूरी सेफ्टी की सुरक्षा को देखते हुए उसकी ऐसा नहीं पाया गया। वहाँ हमने जब ये सब चीज़ें देखी तो हम तुरंत मौका है वहाँ का पुलिस स्टेशन वहाँ मोटी नगर पड़ा वहाँ पर हम वहाँ पहुँचे हमारे पूरी टीम को लेकर और टीम जब वहाँ पहुँची तो वहाँ मैं जॉइंट सीपी और डीसीपी एंड एसीपी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और एसएचओ से मुलाकात करी मुलाकात करने पर हमने उन्हें पूरी जानकारी ली उनसे उन्होंने हमें FIR की कॉपी दी और FIR में उन्होंने अमेंडमेंट करा कि ये जो मुकदमा है वो 300 क्योंकि अखबार में 304 ए का मुकदमा दर्ज हुआ था उसमें ये बताया गया कि उसमें ये बताया गया कि 304 की जगह अमेंडमेंट हो गया अब 304 का मुकदमा है और उसके बाद हमने उनको कुछ बताया कि ये जो केस दर्ज होता है 2013 एक्ट के सेक्शन 7 और 9 के अधीन दर्ज होता है जो कि हत्या का मामला है पर गिरफ्तारी और सजा के अंदर और सेक्शन 21 के आधार पे प्रिंसिपल लेबर एक्ट के अनुसार ये DLF के ऊपर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए क्योंकि काम मुख्यदाता जो काम का था वो DLF के यानी लड़के जो काम कर रहे थे वो DLF का काम था हमने इस चीज़ की मांग करी और ये भी मांग करी कि भाई जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए तुरंत गिरफ्तारी की जाए JLL कंपनी है और DLF इन दोनों के ऊपर मुकदमा दर्ज है 304 का हत्या का मुकदमा दर्ज है। अभी तो फिलहाल तो ICC की धारा 304 है पहले 304 एक मुकदमा दर्ज होता था लेकिन जब से दिल्ली सरकार में हम आई है हमारी सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार आई है उन्होंने बिल्कुल इंस्ट्रक्शन दिए कि मैनुअल स्क्रीनिंग तो बिल्कुल भी नहीं होती और उसमें माननीय राज्यपाल गौतम जी ने भी इंस्ट्रक्शन लेते हुए और इसमें पिछले जो हमारे जो मैनुअल स्क्रीनिंग में डेथ हुई थी उनमें हमने सबको 304 का ही मुकदमा दर्ज हुआ अब जो 304 का ही मुकदमा दर्ज होगा जो कि हत्या का मामला मैनुअल स्क्रीनिंग के अंदर जो बताया गया है उसमें बताया गया कि हम किसी को मैनुअल स्क्रीनिंग में काम करने के लिए अपॉइंट करना ही एक अपराध है और अगर हमने उन्हें अपराध काम करने के लिए उतार दिया ऐसी वर्ण तो अपने आप में अपराध साबित हो जाता है तो उस उन धाराओं के जरिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2013 का उन धाराओं को देखते हुए 7 और 9 में तुरंत गिरफ्तारी का आदेश है उसमें जजमेंट है उन्हीं की हमने डिमांड कर दी तो जॉइंट चीफ ने हमने आश्वासन दिया कि मैं जैसे आपने बोला तो उन्हीं धाराओं पर 304 पर मुकदमे दर्ज करूँगा और तुरंत से तुरंत गिरफ्तारी कर उसकी सजा की जो है दरियाफ्त करूँगा हमारी जो सरकार है दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार उसमें ये पहली सरकार हुई है जिसने पूरे भारत में किसी भी ऐसी सरकार ने 2013 एक्ट के अमेंडमेंट को जो है लागू नहीं किया पूरी तरह सभी ने अभी तक सोचा भी नहीं था लेकिन दिल्ली सरकार ने इसमें सोचा है और मरने वालों को 10-10 लाख रुपये भी दिया और एक एक नौकरी भी दी है और उसके बाद जो है अब जैसा भी हमसे बनेगा हम वो भी करेंगे लेकिन हम न्याय दिलवाएंगे इनको पांचों को क्योंकि पांचों जो है वो उनमें से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उमेश कुमारी है और 4 जो है वो प्राइवेट से बाहर से लाए गए
गिरफ्तारी हो पाई है? अभी जो गिरफ्तारी किसी की नहीं हो पाई है और जल्द से जल्द इसकी गिरफ्तारी हो जाएगी और मुकदमा शायद दर्ज आज हुए हाईकोर्ट में कहने का मैंने आश्वासन दिया। मुकदमे में जी बिल्कुल SSC एक्ट भी लगेगा, उसमें मैनुअल स्कनिंग 2013 के एक्ट के अधीन जो भी धारा बन के वो भी लगेगा। दिल्ली सरकार की तरफ से अगर बात की जाए तो उसमें मामले आपके सहयोग की बात की जाए तो उसमें क्या सहयोग राशि और क्या आपको दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ पहले जो जो डेथ हुई थी मैनुअल स्कनिंग में उन्होंने 10-10 लाख रुपये का उनको मुआवजा दिया गया था और नौकरी दी गई थी और ऐसा एक प्रस्ताव पास किया गया था जिसमें 5 लाख रुपये का SPST विभाग से भी उनको सहायता दी जाएगी। तो जैसा कि हम पहले कराए वैसे अब भी करेंगे और हम आशा करते हैं कि हम उनके और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहेंगे सभी उन मजदूर भाइयों को, सभी उन इस नौकरी पेशा लोगों को जो ये मैनुअल सीवर का काम करते कि हम उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि ऐसा कोई भी लोभ या लालच आपको दिया जाए या कोई धनराशि चाहे थोड़ी हो चाहे ज़्यादा हो, आप मैनुअल में सीवर में सीवर प्लांट में ना उतरे काम करने के लिए, जान की रक्षा सुरक्षा आपके हाथ में है और ऐसा कोई भी काम ना करें क्योंकि ये बिल्कुल कानूनन अपराध है क्योंकि 2013 के एक्ट में उसको बिल्कुल बैन माना गया और दिल्ली सरकार ने उसे कम्प्लीटली बैन किया कि उनको अवेयर नहीं किया, बिना जानकारी के उतारे। जैसा कि मैंने मुआयना करा कल DLF के सीवरेज प्लांट का, वहाँ पर मैंने ऐसा कुछ नहीं पाया कि जैसा कुछ उन्हें कुछ दिया गया उन्हें वैसे ही उतार दिया गया कुछ थोड़ा सा लालच दे के, और वो बिल्कुल इतना डेंजर पॉइंट था। मैं खुद उस मोड़ के कुएं के ऊपर पूरा जाके मैंने मुआयना किया। हम जो 4 साथी गए थे हमारा ही वहाँ बड़ा मुश्किल हो गया था ये रुकना वहाँ पे, वो बहुत ही डेंजर पॉइंट था, एग्जिट पॉइंट बिल्कुल नहीं था। अगर कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति हो जाए तो वहाँ भागने के लिए अगर भागा जाए तो कहीं से भी भागा जा सकता था। आज देश के अंदर कर्मचारी लोगों की संख्या देखा जाए तो प्रभावित संख्या में कर्मचारी लोग सफाई कर्मचारी, तो क्या उनको जागरूक करने के लिए संदेश देने के हम चैनल के माध्यम? जी बिल्कुल, मैंने जो है अपने सारे सफाई कर्मचारियों को और अपने सारे जो मजदूर भाई जो सफाई से रिलेटेड जिनका पैसा है वो पेशा है वो उनके लिए मैंने एक सफाई कर्मचारी जागरूक अभियान चला रखा है और मैं जगह जगह विजिट करता हूँ, हर वार्ड में जाता हूँ और लोगों को जागरूक करता हूँ, उनको बताता हूँ कि आपका हक क्या, आपका अधिकार क्या, आपको कैसे काम करना चाहिए और आपको किस तरह की सुविधाएँ मुहैया होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें बताता हूँ। दिल्ली सरकार की तरफ से इसको मैंने अप्रूवल कराया है, ये स्वच्छ भारत अभियान वर्सेस दिल्ली सफाई कर्मचारी जागरूक अभियान के तहत मैं अभियान चला रहा हूँ और सभी आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि आप ऐसे भी किसी भी छोटे लालच या कच्चे लालच में ना आए, अगर कोई काम अगर करना है तो उसमें पूरी सुरक्षा तो देखते हुए किसी भी काम को करें। जय भीम जय भारत।